नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरे सर मित्र पर। और फिलहाल अभी रात के 12 बजने वाले हैं और हमें रेस्क्यू के लिए कॉल है। यह रेस्क्यू कॉल हमें बनारस जिले के नियार से है और हमें ऐसी सूचना मिली कि वहां पर कोई बहुत बड़े साइज का इंडियन रॉक पाइथन यानी कि अजगर सांप निकला हुआ है, जिसकी वजह से सभी ग्रामीण परेशान है। परेशान होकर उन्होंने डायल 100 पर कॉल कर दिया और उन्होंने पुलिस वालों को भी बुला लिया, लेकिन पुलिस वाले क्या ही कर सकते, वो लोग सांपों को तो रेस्क्यू करेंगे नहीं। तो उन्होंने उन्हें हमारे बारे में सूचना दी। उन्होंने बताया कि आप गुड्डू मोरे सर मित्र को कॉल करें, वो लोग आकर के आप तक मदद पहुंचाएंगे। तो हमें जैसे ही सूचना मिली कि वहां पर कोई बहुत बड़ा सांप मिला जिससे कि लोग परेशान है और सांप की जान को भी खतरा है, तो बिना वक्त गवाए चलिए हम लोग मौके पर चलते हैं और उस सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करके उसको उसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर देंगे। फिलहाल हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा है, साथ में पुलिस के हमारे जवान भी हैं जिनको हम लोग सैल्यूट करते हैं कि वो लोग इतनी रात तक भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों की सेवा में अभी तक खड़े हैं। असल में इस पाइथन के रेस्क्यू के लिए हमें पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने भी कॉल किया था और इन्होंने बोला था कि आप जब तक यहाँ पर नहीं पहुंच जाते हम लोग यहीं पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान के साथ साथ अजगर की जान को भी खतरा है। अगर हम लोग वहां से हटते हैं तो हो सकता है ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए इसे मार दे, जो कि ठीक नहीं रहेगा। तो हमने भी इनको बोला कि सर आप लोग वहां पर रह के वेट करें, हम लोग जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचते हैं और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं। और सामने आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़े साइज का इंडियन रॉक पाइथन है जो कि यहां पर खेत में इस तरह से बैठा हुआ है बिल्कुल आराम से। लेकिन यहां पर यह सही नहीं है क्योंकि ग्रामीण लोग खेती करते हैं और आसपास घर है, ऐसे में या तो अजगर की जान को खतरा होगा या फिर लोगों की जान को खतरा होगा। तो बेहतर यही होगा कि दोनों की जान को सुरक्षित कर लिया जाए और किसी की जान को कोई खतरा ना हो। चलिए आप लोगों के व्यवस्था से कर रहा हूँ, देखता हूँ। और यहाँ पर ग्रामीणों ने और पुलिस विभाग के लोगों ने एक जुगाड़ बनाया था अजगर सांप को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो जुगाड़ सफल नहीं हुआ। तो हम लोग इनके जुगाड़ को ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हम लोग इनकी व्यवस्था से इसको रेस्क्यू कर पाते हैं। इन्होंने एक बोरी में बांस के डंडे को लगा करके उसका मुंह खोल दिया था ताकि अजगर अंदर चला जाए और ये लोग उसको पैक करके इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर दें। कोई नहीं, घबराई नहीं, घबराना नहीं है, काफी बड़ा। आप लोग पटाच बंद कर दीजिए, बड़ा पटाच बंद कर दीजिए, तो पटाच ना लगाइए। पहले हम लोगों ने प्रयास किया कि इसके सिर को बिना पकड़े हम लोग इजीली इसको रेस्क्यू करें, लेकिन आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, ऐसे में हमें इसके सिर को पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसके सिर को पकड़ते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसके ब्रीदिंग के लिए इसका जो श्वास नली है वो खुला रहे और ये अच्छे ढंग से सांस ले पाए। और आप लोग देख सकते हैं फिलहाल इस पर हमारी पकड़ बन चुकी है और हम लोग इसको इस पैकेट में, इस बैग में बंद कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से दूर ले जा करके इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। हम लोगों ने इस सांप को नदी के किनारे रिलीज करने का प्लान किया क्योंकि ये सांप नदी के किनारे पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं और वही जगह इनके लिए अनुकूलित होती है। लेकिन तभी कुछ लोगों ने हमें इस बात की सूचना दी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया गया और वो लोग भी अभी पहुंचते ही होंगे। और अभी फिलहाल रात का वक्त हो गया और इसके लिए प्रॉपर अनुकूलित जगह भी नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि
हम लोग इस सांप को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग को हैंड ओवर कर दें और वो लोग इसको ले जाकर के इसके अनुकूलित स्थान पर रिलीज कर देंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों से और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से ये बोला है कि हम लोग सांप को ले जाकर के सही स्थान पर रिलीज कर देंगे। तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि उनको हैंड ओवर कर देंगे और वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको इसके अनुकूलित स्थान पर रिलीज कर देंगे। कलर ना ज्यादा कुछ देखकर वीडियो देखा इतने छोटे सुंदर नहीं होता। इतना मैं आराम से वन विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग अधिकारी लोग आ गए हैं, हम लोग इनको जो है सुपुर्द कर देंगे। जी सर, चिंता न करें, आपने हमारा सहयोग किया इतना कम है। हम लोग ऐसा करते बनता है कि हम लोग ऐसा सपोर्ट करें। और फाइनली हम लोगों ने इंडियन रॉक पाइथन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर्स को हैंडओवर कर दिया है। अभी आगे से इनकी रिस्पांसिबिलिटी, ये लोग इसको ले जाकर के इसके अनुकूलित स्थान पर रिलीज कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।